Excuse me, how much tax I have to pay this year? What's your salary? 1 lakh per month. Let's see. So invested there, real assets. Pay 25,000 rupees. Yeah, sure. Wait a minute. What's this? What happened? Looks like you have a side hustle also. And you made quite a lot of money as an Instagram influencer and in digital marketing. Bro, some 5 lakhs more I made, bro. For that also I had to pay tax. No, I will pay for you. Oh, thanks, dude. Hey, Nimmavan, either pay the taxes or I'll send the IT department to your house. Bro, wait, I haven't done any accounting, dude. God knows what the expenses are for my freelancing work. So many flight tickets, camera gear, I don't even have a CA. That's okay, just pay tax on 30,000 rupees. What is this assumption? So this is called presumptive taxation, where you only have to pay tax on 6% of your revenues, as long as it's below 2 crores. Now, this information is wrong and I'm going to give you the right information in detail. So it's funny, I love Sharon, okay? I watch his videos. And when I watched the video, I fought with my CA that you don't know anything. And I cut my chucha so many days. Where I have to pay 6% tax, you're paying 50% tax. What are you doing? मतलब ये? तो उसने फिर मेरे को बिठाया, समझाया ध्यान से अच्छे से. तो वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ. नाउ इफ यू आर डूइंग अ जॉब और जॉब के साथ साथ आप साइड इनकम भी कुछ कर रहे हो, साइड हसल भी कुछ कर रहे हो, तो उस केस में आपको टैक्सेशन कैसे करनी है? ठीक है, जॉब का तो क्लियर है, आपने अपने सीए को दिया, वो अपना भर के दे देगा, लेकिन टैक्सेशन जो साइड इनकम की, वो कैसे आप करोगे और कैसे पे करना है, हम उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं. सो एक्चुअली दिस इज अ गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट, क्योंकि जो छोटे मोटे हम जैसे मतलब फ्रीलांसर हैं या फिर हम जैसे क्रिएटर्स हैं, उनकी इनकम होती है एक्स्ट्रा, बट दे कांट अफोर्ड सीए या फिर उनको कोई बुक नहीं बनवा सकते, वो अपना अकाउंटिंग नहीं करवा सकते हैं. सो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी जिसमें आप प्रिजम्प्टिव टैक्स भर सकते हो. मतलब क्या हुआ कि इफ योर इनकम इज लेस देन 2 crores, तो आप उसमें या तो 6% या तो 8% या तो 50% रिवेन्यू प्रिज्यूम करके टैक्स भर सकते हो उस बेसिस पे. लेकिन ये अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, 6 में कुछ और होती हैं, 8 में कुछ और होती हैं, 50 में कुछ और होती हैं, और वही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, पहली बात ये है कि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती है. जैसे मान लिया फैक्ट्री बैठा रखा आपने, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, एंड दैट्स वाई जो प्रॉफिट आता है वो कम आता है. ठीक है, बट कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है. अब जैसे मैं क्रिएटर हूं, ठीक है, मैंने अपना एक कैमरा ले लिया, अपना एक आप कह लो कि ट्राइपॉड ले लिया, कहीं बैठ गया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, उससे मैंने कोर्स बना दिया, उससे मैंने कोर्स सेल कर दिया, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा आप कह लो एसेट नहीं है या फिर कोई लाइबिलिटी नहीं है, मैं कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं दे रहा हूं इसमें, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में रखते हैं. अब इन दोनों टाइप ऑफ बिजनेसेस को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है बाय गवर्नमेंट, और उसको हम डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे दो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 44AD एंड सेक्शन 44ADA. सेक्शन 44AD में वो बिजनेसेस आते हैं जिनमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है. अब अगर आपको बिजनेस की डिटेल चाहिए तो लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF देख सकते हो, डायरेक्टली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा टैक्सेशन की, इंडियन गवर्नमेंट के टैक्सेशन की, और वहाँ से आप पढ़ सकते हो कौन कौन से टाइप के बिजनेस आते हैं उसमें जिसमें ये सेक्शन लगेगा 44AD. अब अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो देन ओनली यू हैव टू शो 6% प्रॉफिट. ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, आपका जो नेट रेवेन्यू आ रहा है वो 10 लाख का आ रहा है, ठीक है, 2 crore से कम होना चाहिए, और अगर वो 10 लाख का आ रहा है तो उसमें आप 6% का प्रॉफिट प्री एज्यूम कर सकते हो और उस 6% के प्रॉफिट पे टैक्स दे सकते हो. अब इसमें दो कैटेगरी है, 6% और 8%. 6% उनके लिए है जिनका सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है, मतलब ज्यादा डायरेक्ट खाते में पैसे आ रहे हैं बाई चेक, बाई इंटरनेट बैंकिंग, तो उनके लिए ये 6% है. अगर आप कैश में भी डील करते हो तो आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट शो करना पड़ेगा और उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा. तो ये कैटेगरी में अगर आप करते हो तो आपको 6-8% देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि हर कैटेगरी में फॉल करोगे आप तो आपको 6-8% ही प्रॉफिट शो करना है. ओके, अब अगर आप 6% से कम प्रॉफिट शो करते हो या फिर मान लेते हैं कि रियलिटी में अगर आपका 6% से कम प्रॉफिट है तो क्या होगा, तो उस केस में आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हो, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा और ऑडिट के बाद आप उसमें टैक्स पे कर सकते हो. अगर 6% से ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि यार रियलिटी दिखाओ. 6% उनके लिए जिनका 6% एक्चुअली में है. अगर मान लेते हैं आपका 10, 12, 20, 25% का प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट उतने ही दिखाओ जितना एक्चुअली आपका है. सो एक्चुअली इससे लोग जो छोटे बिजनेस हैं उनको बहुत फायदा हुआ. ठीक है, उनको कोई हैसल में नहीं पड़ना है, कोई अकाउंटिंग्स मेंटेन नहीं करनी है, उनको जो लगता है प्रॉफिट है उन्होंने अपना कैलकुलेट किया, जो प्रॉफिट आया उस बेसिस पे प्रॉफिट डिक्लेयर किया और उस पर टैक्स दे दिया, तो उनके लिए जो काम है वो हैसल फ्री हो गया.
ये एक तरीके से काफी अच्छा इनिशिएटिव है बाय गवर्नमेंट। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, जो कि है 44 ADA। ठीक है, इस सेक्शन में प्रोफेशनल इनकम काउंट होती है। ठीक है, प्रोफेशनल इनकम मतलब क्या कि अगर आपके हाथ में या फिर आपके पास कोई स्किल है और उस स्किल से आप पैसे डेवलप कर रहे हो, लाइक फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर कोई और भी चीज़ करके कंसल्टिंग करके पैसे डेवलप कर रहे हो, पैसे निकाल रहे हो, तो ये आपका सेक्शन 44 ADA के अंदर आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, टेक्निकल कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, लीगल डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सेक्शन 44 ADA में आती हैं। एंड द फनी थिंग इसकी CA भी यही बोल रहे थे कि यार मेरी खुद की इनकम आपकी सेक्शन 44 ADA में आती है, आप क्या बात कर रहे हो, मैं आपको क्यों बताऊंगा ऐसा, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल इनकम अर्न करते हैं तो उनकी भी सेक्शन 44 ADA में ही आएगी। नाउ अगर आप इस सेक्शन में फॉल करते हो तो आपको रेवेन्यू 50% शो करना है। ओके, नॉट 6%, नॉट 8%, 50%। मतलब अगर आपका टोटल रेवेन्यू अगर 20 लाख का है तो उसमें आपको 10 लाख का प्रॉफिट शो करना पड़ेगा और 10 लाख पे आप टैक्स पे करोगे। इट्स नॉट 6%, इट्स नॉट 8%। ठीक है, तो उन्होंने जो एग्जांपल दिया था वहां पे शरण भाई ने, वहां पे एग्जांपल एक्चुअली फ्रीलांसिंग का था कि कैमरा खरीदा, ये खरीदा, वो अपने अपना एग्जांपल दे रहे थे, तो उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल सेक्शन 44 एडी वालों के लिए, नॉट ADA वालों के लिए। और ADA वालों के लिए क्या एप्लीकेबल है, 50% आपको अपनी रेवेन्यू का शो करना पड़ेगा एज ए प्रॉफिट और उस पर आप टैक्सेशन फिर कैलकुलेट करोगे अपनी। तो इसमें 50% के बाद और कुछ आप नहीं निकाल दे सकते हो। अगर आपने 50% शो कर दिया, इसका मतलब है कि आपने जो रिमेनिंग 50% है उसमें अपना सैलरी भी दे दी, उसमें अपना अपने सामान भी खरीद लिया, एक्सपेंसेस भी हो गए, सब कुछ हो गए हैं, और ये रिमेनिंग परसेंट सिर्फ 50% सिर्फ प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट डिटेल उस पर्टिकुलर 1 मिनट की वीडियो का। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, सही है, मे बी कभी कभी हो जाती है सबसे गलती, ऐसा नहीं कि मतलब उनका कंटेंट बेकार है, बट दिस इज व्हाट आई फाउंड, और शायद काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा। अगर आपको भी कन्फ्यूजन हुआ था तो अपने दोस्त के साथ शेयर करो, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।